इनका भी ऐसा ही कुछ इम्प्लीकेशन हमें यहां पे देखने को मिलने वाला है. जैसे ज्योमेट्री में स्पेस होता है, कैन यू डिफाइन द स्पेस? नॉट एट ऑल. वैसे ही फिलोसॉफी में स्पिनोजा कहते हैं देयर इज अ अल्टीमेट होल रियलिटी कॉल्ड एज अ गॉड. कैन यू डिफाइन इट? नो. बिकॉज अगर आप स्पेस का यूटिलाइजेशन कहो कि वो ट्रायंगल बनता है, स्क्वायर बनता है, सर्कल बनता है, तो डज दैट मीन दैट कि आप स्पेस को ट्रायंगल कहोगे, स्क्वायर कहोगे या सर्कल कहोगे? कितना लॉजिकल होगा कि स्पेस को ट्रायंगल बोलना, कितना लॉजिकल होगा स्पेस को स्क्वायर या सर्कल बोलना, है ना? इसीलिए स्पिनोजा कम अप विद अ वेरी फेमस एक्सियोम दैट इज एवरी डिटर्मिनेशन इज अ निगेशन. एवरी डिटर्मिनेशन इज अ निगेशन. वो कहते हैं कि भैया स्पेस जो है आप उसको सोच भी नहीं सकते. इट इज अनथिंकेबल, इट इज सो इनडिफाइनेबल इन दैट सेंस कि जिसको किसी भी भाषा में डिफाइन करना यानी कि उसका डिटर्मिनेशन करना या उसको तब्दील करना उसको उस लिमिट्स में डाल देने समान है. तो क्या स्पेस को लिमिट में डाला जा सकता है बाय मेयरली अ ट्रायंगल, स्क्वायर और अ सर्कल? नॉट एट ऑल. एंड दैट इज व्हाई एवरी सच डिटर्मिनेशन रिगार्डिंग द स्पेस, स्पेस के बारे में कोई भी डिटर्मिनेशन करने जाओगे, दे आर ऑल स्टैंड टू बी निगेटेड. निगेशन का मतलब है दे आर ऑल फॉल्स. वो कभी भी वैलिड हो ही नहीं सकते वो एक्सप्लेनेशन, बिकॉज स्पेस इज सच अ रैंडम. यही एक्सियोम यहां पे भी अप्लाई अगर हम कर देते हैं, स्पिनोजा कहते हैं कि गॉड जो है दैट इज व्हाई इट इज अ इट्स अ होल ऑफ रियलिटी. इट्स अ होल ऑफ रियलिटी जिसके अंदर, जिसके थ्रू वो सब कुछ डिराइव करने वाले हैं. पूरे वर्ल्ड के जितने भी एंटिटीज है वो कहेंगे ये किसे डिराइव किए जा सकते हैं? ओनली बाय मेयर प्रेजेंस ऑफ अ गॉड लाइक द स्पेस. स्पेस को कट कर लो ट्रायंगल बनेगा, स्पेस को कट कर लो, कट एंड नॉट इन लिटरल सेंस, जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड कि थोड़ा स्क्वायर बन सकता है, सर्कल बन सकता है. वैसे ही इस होल रियलिटी ऑफ गॉड को आप अलग अलग क्रिएट करवा सकते हो. लेकिन आप अगर कहोगे ह्यूमन बींग बने, प्लांट्स बने, मैटर बने, ये बने, वो बने, जो भी बना, ये जो भी है, डज दैट मीन कि गॉड इज अ ह्यूमन बींग? डज दैट मीन गॉड इज अ प्लांट? इस तरह से कैन वी से स्पेस इज अ ट्रायंगल, स्पेस इज अ स्क्वायर, स्पेस इज अ सर्कल? वी कैन नॉट से सो. दैट इज व्हाई दिस एक्सियोम हैज बीन यूटिलाइज्ड हियर एज वेल, दैट ऑल सच डिटर्मिनिज्म इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाट गॉड इज, उसकी डेफिनेशन देने का प्रयास भी करना एक अपने आप में बड़ी गलती हो सकती है इन द वर्ल्ड ऑफ फिलोसॉफी. दैट्स व्हाई इट इज कंपेयर्ड जैसा विद द ब्रह्मा ऑफ शंकराचार्य. ब्रह्मा का डेफिनेशन दिया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं. उसको हम क्या कहते हैं? नीति नीति, नाइदर दिस नॉर दैट. आप जो भी बोलोगे शंकराचार्य के ब्रह्मा ऐसा है, ब्रह्मा वैसा है, तो सिंपल भाषा में अपने आदि शंकराचार्य रिप्लाई करेंगे कि नाइदर दिस नॉर दैट. वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है, यानी उसमें गुण है भी और गुण नहीं भी है. तो आप उसको किसी भी तरह से डिफाइन करने जाओगे तो आप क्या करोगे? उसको डिटरमाइन करोगे, उसको सीमित करोगे. उसका डेफिनेशन जो है वो सिर्फ पार्शियली ट्रू हो सकता है उस. इसीलिए एवरी डिटर्मिनेशन इज अ निगेशन.